दोस्तों, मैं हूँ पैरावेट सर्विस पांडे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पैरावेट सर्विस पांडे पर। दोस्तों, आपने किसी न किसी पशु डॉक्टर को या पैरावेट को इस तरीके से देखा होगा जिनके बाइक में बगल में एक कोई बॉक्स टाइप बंधा रहता है। तो आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये है क्या। कुछ लोग इसको कंटेनर बोलते हैं, कुछ लोग इसको बॉक्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिब्बा बोलते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो भी ये मतलब पैरावेट या पशु डॉक्टर लोग अपने बाइक पर बांधे रहते हैं कंटेनर टाइप, ये क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, इन सभी विषयों पे आज पूरी चर्चा होगी। तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो पैरावेट या पशु डॉक्टर के बाइक पर साइड में बंधा हुआ बॉक्स देखते हैं, इसे दोस्तों नाइट्रोजन कंटेनर बोला जाता है। इस कंटेनर को पशु डॉक्टर या पैरावेट लोग इसलिए अपने बाइक पर रखते हैं क्योंकि अगर उन्हें किसी भी पशु को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान करना हो तो कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग होने वाले सीमन को जिंदा रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ये लिक्विड नाइट्रोजन केवल इसी टाइप के बर्तन में रुक सकती है। इसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन रहता है उसका टेम्परेचर -196 डिग्री होता है। इसको क्रायोकैन भी कहते हैं कंटेनर को, क्योंकि दोस्तों जब टेम्परेचर माइनस होने लगा तो माइनस होते 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 जब वो -196 पे पहुंचता है तब फिर वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का निर्माण होता है। इस विधि को क्रायोकैन विधि कहा जाता है। इस नाते इस कंटेनर को क्रायोकैन भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ठंडा होता होगा। आइए इसके संरचना के बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर की संरचना एल्युमिनियम अथवा स्टील से बनी दोहरी दीवार का बर्तन होता है। इस बर्तन की दोनों दीवारें ऊपर गर्दन पर मिलकर एक हो जाती हैं। कंटेनर को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए उसमें हैंडल लगे होते हैं और जो भी उसमें एल्युमिनियम या स्टील का दोहरी दीवार बना रहता है दोनों दीवारों के बीच में हवा निकाल कर निर्वात पैदा करने के लिए अति विशिष्ट ऊष्मारोधी पदार्थ भर दिया जाता है और निर्वात करने के लिए गर्दन के पास एक टोटी जैसा संरचना होता है ताकि ये कंटेनर फटे ना या कंटेनर अचानक विस्फोट ना हो। कंटेनर के अंदर दोस्तों 6 या इससे अधिक कनिस्टर होते हैं। कनिस्टर 6 इंच या 12 इंच लंबा तथा 2.5 इंच व्यास का बर्तन होता है जो कि हैंडल की सहायता से कंटेनर से लटका रहता है। कंटेनर में जो कनिस्टर होता है दोस्तों, कनिस्टर के नीचे के हिस्से में दो छिद्र होते हैं, मतलब कनिस्टर के नीचे वाले हिस्से में दो छेद होते हैं जिससे लिक्विड नाइट्रोजन कनिस्टर में आ सके। प्रत्येक कनिस्टर में एल्युमिनियम या प्लास्टिक के बने एक या दो गोबलेट रखे होते हैं। गोबलेट दोस्तों एक बर्तन जैसा होता है जिसमें सीमन रखा जाता है, मतलब जो भी सीमन का एक्स्ट्रा होता है उसी में रखा जाता है। दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर के कई प्रकार होते हैं, जैसे यातायात के लिए लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। इन कंटेनरों का उपयोग लिक्विड नाइट्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, मतलब जिनके पास छोटे छोटे नाइट्रोजन कंटेनर रहते हैं जब उन्हें नाइट्रोजन उसमें भरवाना रहता है तो जो नाइट्रोजन भरने के लिए गाड़ी आती है उनमें ये यातायात वाले लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर रहते हैं और जिसका नाम है दोस्तों TA-55 कंटेनर, मतलब इसमें लगभग 51 या 51.5 लीटर नाइट्रोजन आ जाता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में आसानी होती है। और सीमन स्टार रखने हेतु दोस्तों बायोलॉजिकल लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर होता है। इन कंटेनर का प्रयोग सीमन स्टार रखने में किया जाता है, मतलब जो भी आप डॉक्टर या पैरावेट के बाइक पर बंधे हुए कंटेनर देखते हैं ये वही बायोलॉजिकल लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर होता है जो BA-0.5, BA-1.5, BA-3 व BA-35 तथा J-12 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब वीडियो में इस फोटो में देख सकते हैं, ये पूरा लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर के संदर्भ में तकनीकी जानकारी है कि मतलब किस कंटेनर में कितना नाइट्रोजन आता है और आप ये वीडियो के ऊपर फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाइक पे जो कंटेनर लगा रहता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। और दोस्तों, पशुओं से संबंधित ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो यानी पशुपालन से संबंधित ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।